इस साल 2021-22 के कैट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसके तहत साल 2021 के बैच के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 साल में 2 बार करवाई जाएंगी। सिलेबस को 2 टर्म में 50-50% के आधार पर बांटा गया है, यानी फाइनल इम्तिहान में आधे सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि साल भर के इंटरनल सस्पेंड टॉप प्रोजेक्ट को भी फाइनल मार्किंग को ध्यान में रखा जाएगा और जल्दी हर विषय के लिहाज से नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाएगी। तो आइए आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि कैसे 10वीं और 12वीं की छात्रों की परीक्षाएं आयोजित होंगी और उन्हें नंबर दिए जाएंगे। 10वीं 12वीं टर्म परीक्षाओं को 2 टर्मों में बांटा गया है। पहली टर्म की परीक्षा इसी वर्ष नवंबर दिसंबर के महीने में होगी। 1.5 घंटे का समय होगा और सभी प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न उत्तर होंगे। इसके बाद अगले वर्ष मार्च अप्रैल सेकेंड टर्म की परीक्षा होगी और ये 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें सभी परीक्षाएं की तरह शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल हर तरह का सवाल जवाब होगा। फाइनल मार्कशीट में दोनों टर्म के नंबर होंगे और इसके अलावा इंटरनल सस्पेंड प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल वर्क के नंबर भी शामिल होंगे। तो दोस्तों छात्रों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें यानी साल भर के एग्जाम को 2 टर्मों में देना होगा।